पार्टी गाएं, साथ में मिलकर खुशी मनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपको अपने शो गाओ बजाओ में खुशामदीद कहते हैं, जहां गीत सीखेंगे एक्शंस के साथ और मिलकर करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। ये कैसे हैं आप सब। बिल्कुल ठीक। बाजी आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आज आप सब से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरा ये वीक बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा, क्योंकि मैं इस वीक में अपने नाना अबू के गांव गई थी। वाह बाजी, मैं भी अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने गांव में गुजारता हूँ। मुझे गांव बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबको गांव बहुत पसंद है। जब मैं गांव गई, वहां पे मैंने बहुत से फल खाए और मैंने वहां पे बहुत से जानवर भी देखे। बाजी मुझे तो जानवरों से बहुत डर लगता है। अभिषे, हमें जानवरों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने उनको हमारी मदद के लिए बनाया है। बाजी कल मेरी साइकिल के नीचे एक बिल्ली का बच्चा आ गया था, उसको बहुत चोट लगी थी, फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ रहम दिली से पेश आना चाहिए। क्यों ना आज हम एक ऐसा ही गीत सीखें जिसमें हम जानेंगे कि हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। जी बाजी। आज हम गीत सीखने जा रहे हैं, उस गीत का नाम है मुबारकबादियाँ। मुबारकबादियाँ? जी हाँ, मुबारकबादियाँ। बाइबल मुकद्दस में मत्ती के अंजील 5वें बाब में यीशु मसीह हमें मुबारकबादियों के बारे में बताते हैं, जिसमें हमें रहमदिली और मदद के बारे में बताया गया है। बाजी, हम रहमदिल इंसान कैसे बन सकते हैं? हम दूसरों की मदद करके रहमदिल हो सकते हैं। जैसे कि शलोम ने बताया कि उसने बिल्ली की मदद की तो उसने अपनी रहमदिली दिखाई। इस तरह से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरे से प्यार करना चाहिए। गीत का नाम तो आप सबने जान ही लिया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? सॉन्ग एंड एक्शन। तो चले एक कदम उठाएं, मिलकर झूमें और गुनगुनाएं। ये क्या आप सब गीत और एक्शन सीखने के लिए तैयार हैं? जी बाजी। चले शुरू करते हैं। ये मैं आप सबको सिखाऊंगी और आपने मेरे साथ साथ करना है। जी बाजी। मुबारक वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक वो जो गमगीन है, क्योंकि वो पाएंगे तसल्ली। मुबारक वो जो गमगीन है, क्योंकि वो पाएंगे तसल्ली। मुबारक वो जो हलीम है, वो सब जमीन के वारिस होंगे। मुबारक वो जो हलीम है, वो सब जमीन के वारिस होंगे। मुबारक वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मुबारक वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। वो सब होंगे असुदा, वो सब होंगे असुदा। वो सब होंगे असुदा, वो सब होंगे असुदा। मुबारक वो जो लोग रहम दिल हैं, उन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक वो जो रहम दिल है, उन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक वो जो लोग पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को वो देखेंगे। मुबारक वो जो लोग पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को वो देखेंगे। मुबारक वो जो सुलह करवाते, वो सब खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक वो जो सुलह करवाते, वो सब खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। मुबारक वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। बादशाही उन्हीं की है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बादशाही उन्हीं की है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। वाओ दोस्तों, आप सबने तो बहुत अच्छे से गीत और एक्शंस को सीख लिया है, तो क्यों ना हम इस गीत को मिलकर गाएं? ये मुबारक वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक वो जो लोग गमगीन है, क्योंकि वो पाएंगे तसल्ली। मुबारक वो जो हलीम है, वो सब जमीन के वारिस होंगे। मुबारक वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो सब होंगे असुदा, वो सब होंगे असुदा। मुबारक वो जो लोग रहम दिल हैं, उन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक वो जो लोग पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को वो देखेंगे। मुबारक वो जो सुलह करवाते, वो सब खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक
वो जो राजबाजी के सबब से सताए गए हैं। बादशाही उन्हीं की है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। वाह दोस्तों, आप सबने तो बहुत अच्छे से किया है, तो क्यों ना अब हम ये जाने की गीत हमें क्या सिखाता है। ये गीत से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों और जानदारों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, और ये भी कि हमें सबके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जी हाँ अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ वफादारी से चलें और यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी गुजारें। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। जी हाँ शांजा, हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। गीत का मतलब तो सीखा एक साथ, तो आए अब मिलकर करें ऑटोग्राफ। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कलरिंग। बाजी आज हम ऐसा क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे एक वॉल हैंगिंग जिसके ऊपर हम लिखेंगे मुबारकबादियाँ। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ चार्ट पेपर्स, ब्लैक रिबन, कलर पेंसिल्स, ग्लू और ग्लिटर फॉर्मिंग शीट। तो क्या आप सब तैयार हैं? जी बाजी। आप सबने तो बहुत अच्छे से कलर्स किए हैं। अब ये देखें हमारे पास ये क्या है? ग्लिटर फॉर्मिंग शीट। अब हम इसको कट करेंगे और फिर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। लिया है, तो क्या आप सब इसको देखने के लिए तैयार हैं? जी बाजी। ये देखें। वाह बाजी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, अब हम इसके ऊपर लिखेंगे मुबारकबादियाँ। ये देखिए दोस्तों, हमने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिया है कंप्लीट। तो क्या अब हम इसको अपने दोस्तों को दिखाएं? जी बाजी। क्या आपको पसंद आया? अगर आपको भी पसंद आया है तो आप भी इसे आसानी से अपने घरों में बना सकते हैं और फिर इसमें अच्छी अच्छी कलरिंग करके इसको कट करके अपने घर के वॉल्स पे हैंग कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हो जाओ तैयार गीत गाएं एक्शन के साथ। ये! क्या आप सबको मजा आया? बहुत ज्यादा।
मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। तो दोस्तों, इस गीत से हमने ये सीखा है कि जिस तरह खुदा हमसे प्यार करता है, हमें भी सबके साथ प्यार करना चाहिए और सुलह से रहना चाहिए। अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो हमें उनकी भी सुलह करानी चाहिए और यीशु मसीह की तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आप भी इस तरह से हमारे गीत और एक्शंस को अपने घर में या संडे स्कूल में सीख रहे हैं तो वीडियो क्लिप बनाकर हमें व्हाट्सएप नंबर या पार्क 7 किड्स फेसबुक पेज पर भेजें। अपना नाम बताना ना भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नन्हे दोस्तों के साथ, सीखेंगे गीत, करेंगे एक्शंस एक साथ। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, तब तक के लिए बाय बाय। आपको नए गीत और एक्शन सीखना अच्छा लगता है तो फिर जल्दी से पार्क 7 किड्स यूट्यूब चैनल को विजिट करें और इस फन प्लेलिस्ट को सर्च करें। नए गीत और एक्शन को सीखें और अपनी वीडियो बनाकर हमें भेजें ताकि हम उसको अपने दूसरे दोस्तों को भी दिखा सकें। बाय बाय।